भारत आज अपनी आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। 1947 में अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद होने के बाद हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में हर घर में मनाया जाता है। हर किसी का इसको मनाने का तरीका बहुत अलग होता है। पूरा देश इस जश्न में आज डूबा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें, भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। देश के बिजनेस सेक्टर का दबदबा हर ओर नजर आता है। इंडियन इकोनॉमी की इस तेज रफ्तार में कारोबारी जगत के दिग्गजों का बड़ा योगदान है। इसमें कई उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले कंपनियां स्थापित करके देश को आर्थिक मजबूती दी और आज भी सरताज बनी हुई हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि देश की ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो आज़ादी से पहले शुरू हुई और आज भी इन कंपनियों का डंका दुनिया में बजता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आपको बता दें कि भारत के कारोबारी इतिहास में आजादी से पहले की करीब 70 कंपनियों की नींव ब्रिटिश शासनकाल में पड़ी थी। इनमें से कुछ का आज नॉमिनेशन नहीं रहा है, तो वहीं कई ऐसी कंपनियां हैं जो अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय के बाद भी भारतीय कारोबारी जगत की शान बनी बैठी हैं और अरबों खरबों में कारोबार कर रही हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इनका डंका बज रहा है। यही नहीं, ये लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। आजादी से पहले शुरू हुई कंपनी की लिस्ट में अगर बात की जाए तो नाम आता है टाटा ग्रुप्स का। आपको बता दें, टाटा ग्रुप्स का नाम सबसे ऊपर इस लिस्ट में है। देश को नमक से लेकर लग्जरी कार तक बनाकर देने वाला समूह के कारोबार की शुरुआत 1868 में हुई थी। आज आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के साथ इंडियन होटल कंपनी समूह का हिस्सा है। जमशेद जी टाटा द्वारा 1903 में इंडियन होटल्स कंपनी की स्थापना की गई थी। वहीं फूड सेक्टर की बड़ी कंपनियां, अब मैं आपको बता दूं, तमाम इसमें शामिल है, लेकिन जो सबसे ऊपर नाम इस लिस्ट में आता है जो आजादी से पहले शुरू करी गई, वो जो फूड सेक्टर की कंपनी है उसका नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भी आजादी से पहले शुरू की गई थी। 1892 में इसको शुरू किया गया। आज भी बिस्किट से लेकर अन्य खाद्य पदार्थों के कारोबार में इसका दबदबा है। इस कंपनी की स्थापना कोलकाता में वांडिया फैमिली ने की थी। पुरानी रिपोर्ट्स की माने तो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ कारोबार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेजी से बढ़ा और आज दुनिया भर में इसका कारोबार फैला हुआ है। फोर्ब्स की मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2022 में कंपनी की नेट वर्थ लगभग 370 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में गोदरेज का नाम भी शामिल है। आज मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत रियलिटी सेक्टर तक में जाना पहचाना नाम है गोदरेज। ये समूह उन बड़े नामों में शामिल है जो आजादी से पहले से देश की आर्थिक सेहत को दुरुस्त करने में भूमिका निभा रहे थे। साल 1897 में अर्देश्वर गोदरेज और उनके भाई ने इस कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी की तिजोरियों पर अंग्रेजों को भी पूरा भरोसा था। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों को रखने के लिए गोदरेज की तिजोरियों को ही चुना था। भारतीय कारोबारी इतिहास को देखें तो बिरला ग्रुप ने आजादी से पहले कारोबार शुरू किया। इसमें बिरला ग्रुप का नाम भी आता है और बड़ी शान से आता है। धनश्याम दास बिरला के दादा शिव नारायण बिरला ने साहूकारी करते हुए, आपको बता दें जिस तरीके से कपास व्यवसाय की शुरुआत की, कपास व्यवसाय शुरू करके इसके बाद 1890 में जूट निर्माण कंपनी के रूप में पहला उद्योग स्थापित किया। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड एमपी बिरला समूह की कंपनियों की एक भारतीय आधारिता प्रमुख कंपनी है। इसकी स्थापना लगभग 1910 के दशक के अंत में धनश्याम दास बिरला द्वारा की गई थी और माधव प्रसाद बिरला ने इसे संचालित किया था। आज दुनिया के लगभग 36 देशों में कंपनी का कारोबार है और ये बिरला समूह करीब 140,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। इस लिस्ट में तमाम और नाम भी शामिल है। आपको बता दें, रायमंड लिमिटेड, यहां तक कि आयुर्वेदिक दवाइयों को बेचने वाली डाबर कंपनी, हेल्थ सेक्टर की सिप्ला और टीवीएस मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। ये जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो आज भी देश की शान है या आजादी से पहले भी देश की शान हुआ करते थे। इन पर अंग्रेज भी भरोसा किया करते थे और आज भी ये कंपनियां अपना दम भारतीय कंपनियां बनकर
पूरी दुनिया में दिखा रही हैं। ऐसे में आज के दिन हमें ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारा देश किन चीज़ों पर तरक्की कर रहा है, हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आज़ादी से अब तक कितना बदला है। आपको बता दें कि अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था की तो ये बड़ी कंपनियों ने बड़ा योगदान दिया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।